हेलो दोस्तों, देखिए ये यूपीएससी का रिक्रूटमेंट है और इतने सारे वैकेंसी निकाले हैं इन्होंने। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकाट्रॉनिक्स, असिस्टेंट डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड टू, ये इसमें आर्मामेंट है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, जेनटेक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी और मिलिट्री एक्सप्लोसिव है, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन आईटी में है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा है और मेडिकल ऑफिसर यूनानी में है। देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनके। देखिए, एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर मेकाट्रॉनिक्स, 6 वैकेंसी है असिस्टेंट डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर में, और इसमें बोल दिया है क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल, ठीक है। और एक है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर आर्मामेंट में, इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल के, और डिज़ायरेबल है कि मिनिमम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करें आप जर्मन, फ्रेंच और या तो रशियन, जापानीज़ और चाइनीज़ में। फिर देखिए, 3 वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री में, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस में है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में और MSc ऑर्गेनिक में, या तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री भी चलेगा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, और है 2 साल के एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेंट्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, और डिज़ायरेबल है फिर से वही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स। 3 वैकेंसी है देखिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियरिंग में, और क्वालिफिकेशन BTEC है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस 2 साल। फिर से 2 वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेनटेक्स में, क्वालिफिकेशन क्या है BE और BTEC इन मैकेनिकल और मेटलर्जिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और MSc बोटनी और MSc केमिस्ट्री, और एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल आपके, और फील्ड होगा फुटवेयर या टेक्सटाइल या क्लोथिंग पॉलीमर्स, टिम्बर्स, मैकेनिकल में, और डिज़ायरेबल है मिनिमम 6 महीने। तो ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स, डिज़ायरेबल और कुछ बहुत कुछ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा इसमें, और लास्ट डेट है देखिए 11th November 2021, बहुत सारे दिन बचे हैं तो, और ये सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई किए तो इन लोग रिटर्न टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर एलिजिबल प्लीज़ अप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।